हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में अदरक और लहसुन से बनी हुई क्रीम बनाना सिखाऊंगी। यह अदरक और लहसुन की क्रीम बहुत ही असरदार है आपके चेहरे पर से झाइया, डार्क स्पॉट्स, पिंपल्स, एक्ने स्कार्स, पिगमेंटेशन और सनटैन जैसी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करती है। ये क्रीम आपके स्किन को बहुत ज्यादा फेयर, ग्लोइंग और रेडियंट बनाने के साथ साथ आपकी स्किन पर एक नेचुरल ग्लो देगी और आपके चेहरे को बिल्कुल स्पॉटलेस और क्लियर बना देगी। तो चलिए अब देखते हैं कि इस क्रीम को बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए अदरक का रस, उसके बाद आपको चाहिए लहसुन का रस। अदरक और लहसुन का रस बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पर मैं आपको लहसुन का रस बनाना सिखा रही हूँ, बट ऐसे ही अदरक का रस भी बनेगा। इनका रस बनाने के लिए आप सबसे पहले थोड़ा सा अदरक ले लीजिए और कुछ कलियाँ लहसुन की ले लीजिए, लगभग 4 से 5। फिर आपको अदरक और लहसुन को छीलना है और इनको अच्छे से छीलने के बाद आपको इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को कूटना है, या आप मिक्सी में ग्राइंड भी कर सकते हैं इन दोनों को। और इनको अच्छे से ग्राइंड या कूटने के बाद आपको एक छन्नी की मदद से इन दोनों को छान लेना है, और छानने के बाद आपका अदरक और लहसुन का रस तैयार हो जाएगा। और अदरक और लहसुन के रस के बाद हमें चाहिए स्वीट आमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल, फिर हमें चाहिए शहद यानी कि हनी, फिर हमें चाहिए कैस्टर ऑयल, और अगर आपके पास कैस्टर ऑयल नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, और लास्ट इंग्रेडिएंट हमें चाहिए एलोवेरा जेल। तो चलिए अब देखते हैं कि जिंजर और गार्लिक की क्रीम यानी कि अदरक और लहसुन की क्रीम कैसे बनाई जाए। इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक कटोरी में 1 चम्मच लहसुन का रस ले लीजिए, के बाद आप इसके अंदर 1 चम्मच अदरक का रस ले लीजिए, और अगर आपने ये दोनों रस एक साथ बनाए हैं तो आप 2 चम्मच अदरक और लहसुन का रस एक कटोरी में ले लीजिए। अब हमें इसके अंदर 1/2 चम्मच बादाम का तेल डालना है, और अगर आपके पास बादाम का तेल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, आप मत डालिए। उसके बाद आपको इसके अंदर 1/2 चम्मच कैस्टर ऑयल डालना है, और अगर आपके पास ये वाला तेल नहीं है तो जैसे कि मैंने पहले बताया आप ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपको इसके अंदर 1/4 चम्मच शहद डालना है, और फिर आपको इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है ताकि एक स्मूथ पेस्ट बने। और इन सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे जो कि है एलोवेरा जेल, और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच एलोवेरा जेल डाला है। बट अगर आपकी क्रीम ज़्यादा क्रीमी और फ्लफी नहीं हो पा रही है तो आप ज़्यादा एलोवेरा जेल भी इसमें डाल सकते हैं। और एलोवेरा जेल डालने के बाद हमको सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि हमारी क्रीम बहुत ज़्यादा फ्लफी और क्रीमी बने। और सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद आपकी जिंजर और गार्लिक क्रीम यानी कि अदरक और लहसुन की क्रीम रेडी है, और वो कुछ इस तरह दिखेगी। ये क्रीम बहुत ही ज़्यादा असरदार है आपकी झाइया और डार्क स्पॉट्स को जड़ से ख़त्म करने के लिए। आपके चेहरे पर जो भी दाग धब्बे हैं या झाइयों की प्रॉब्लम है आपको, ये क्रीम इतनी असरदार है कि ये सिर्फ 5 से 7 दिन में आपके झाइयों को और डार्क स्पॉट्स को कम कर देगी। और कुछ दिनों के इस्तेमाल करने के बाद ये क्रीम आपके चेहरे पर से सारे दाग धब्बे ख़त्म करके आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा क्लियर बनाएगी। और इस क्रीम को स्टोर करना भी बहुत ही आसान है, आप इसको किसी भी एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में 15 से 20 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस क्रीम को कैसे इस्तेमाल किया जाए बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए। तो इस क्रीम को यूज करना भी बहुत आसान है, आपको सिर्फ ये क्रीम थोड़ी सी लेनी है और अपने फेस और नेक पर इसको अच्छे से लगा लेना है और जेंटली मसाज करना है 10 से 20 सेकंड के लिए, और अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज करने के बाद इसको ऐसे ही रात भर के लिए छोड़ देना है। और बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए आपको ये क्रीम 2 बार इस्तेमाल करनी है दिन में, 1 सुबह और 1 रात को सोने से पहले। आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसी बहुत सारी इजी और इफेक्टिव होम रेमेडीज देखने के लिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आप उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें मेरे वीडियोस की रेगुलर और फ्यूचर अपडेट्स पाने के लिए।